गुड इवनिंग पाकिस्तान में जिशान अफरीदी का अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप लोग का बहुत बहुत, हमारे जजेस, हमारी ऑडियंस का, हमारी ब्यूटिशियन का। आज हमारी तीन ब्यूटिशियन है क्योंकि चौथी ब्यूटिशियन नहीं आ पाई, उसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने नाजरीन का जिन्होंने हमारे शो को भरपूर पसंद किया, हमें बताया कि हमारे शो में क्या अच्छा लगा और इसी तरह हमारे शो को देखते रहें और हमें बताते रहें कि हमारे शो में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। आज का जो शो है हमारा समझने सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक शो और है जो हमारा शो का राउंड ख़त्म हो चुका होगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट शो देखेंगे वो सेमीफाइनल शो होगा। जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो लोग ज़रूर आएंगे और जो लोग नहीं आ सके उनके लिए मैं माजरा चाहता हूँ कि वो दोबारा हमारे जो नेक्स्ट सीज़न 2 आएगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारे स्पॉन्सरों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज तक हमारे साथ थे और आगे भी हमारे साथ हैं। हम आपको बताना चाहते हैं आज हमारे साथ कौन कौन स्पॉन्सर है, आइए देखते हैं। Sponsored by Soy Smith, Glamorous Face, Mother Care, Skin Care, Sam's Skin Care, Afridi's Cosmetic, I Plus, Afridi's Saloon, Color Institute, Classic Shoes, Paraso Schooling System, Pakistan Beauty Education. जी नाज़रीन, आपने हमारे स्पॉन्सर देख लिए। डेफिनेट आप लोगों को मालूम है कि हमारे स्पॉन्सर ने हमारा भरपूर साथ दिया। एक दफा बहुत सारी तालियां होनी चाहिए हमारे सारे स्पॉन्सर के लिए जिन्होंने हमें प्यारे प्यारे गिफ्ट पहुँचाए। हमारी ब्यूटिशियन का तारुफ करवाने से पहले हमारी जो खूबसूरत जजेस आ चुके हैं, हम चाहेंगे उनका तारुफ करवाना। एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जिनका एक्सपीरियंस तकरीबन 20 ईयर्स है। यूनिक ब्यूटी सैलून के नाम से जानी मानी जाती है, नॉर्थ में इनका सैलून वाकई है। हमारी खुशनसीबी है आज हमारे दरमियान है बहुत सारी तालियों में सलमा नदीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं जिशान भाई? मैं ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने अपनी मसरूफ टाइम की बावजूद आज हमें टाइम दिया। नो नीड, आप माशाल्लाह से आपका शो इतना अच्छा है कि हम खुद टाइम निकाल के आए आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हम बात करते रहेंगे। हमारे साथ सेकंड जज ऐसी हैं, मेरा बड़ा उनके साथ ताल्लुक रहा है, एक साथ हम पढ़ा भी चुके हैं, एक हिस्सा रह चुके हैं, हमारी मुलाकात काफ़ी रह चुकी है। अपनी मसरूफियत के बावजूद बीच में टाइम नहीं दे पाई क्योंकि इन्हें आना तो बहुत पहले था, मगर इनका काम, इनका एक्सपीरियंस तकरीबन 18 साल है। और खास बात यह है कि हमारे दरमियान मौजूद है बहुत सारी तालियों मिस रिहाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, थैंक यू। आप दोनों जजेस का शुक्रिया। अभी हम आपको कंटिन्यू करते हैं। हम दोनों जजेस को बताना चाहता हूँ हमारे साथ जो ब्यूटिशियन है ये किस तरह सेलेक्ट हुई है, आइए देखते हैं इनका एक पैकेज। जी नादिन, आपने हमारा पैकेज देखा, आपको मालूम हो गया होगा आज हमारे साथ ब्यूटिशियन कौन कौन है। सबसे पहली जो ब्यूटिशियन है राबिया, राबिया बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम राबिया शहजाद है और मेरा सलून का नाम है दुआ पार्लर ना शाह फैसल गंज। आज हमें क्या करके दिखा रही हैं? ब्राइडल मेकअप। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ जी। मेरा नाम इकरा है और मैं आज अपना ब्राइडल मेकअप करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। आपका सैलून भी है? नहीं, मैं लर्निंग पर हूं। अच्छा, लर्निंग पे, बहुत जो लर्निंग प्रोसेस होता है उनके लिए ताली होती है। जी नादिया, रमदान कैसे हैं? सलाम सर, आज मैं आपको अपना अच्छा मेकअप करके गुड करके दिखाऊंगी और ना मैं लर्निंग में भी हूँ और मैं सैलून भी ज्वाइन कर। अच्छा, ये भी ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि लर्निंग भी है और सैलून भी चलानी है। देखिए साथ साथ करना चाहिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप लोग को हमारा फॉर्मेट पता है, जो आपका बेस्ट मेकअप है, जो सिग्नेचर मेकअप है, जो सबसे अच्छा लगता है वो आज आपने करके दिखाना है। आपके पास 30 मिनट्स है, स्टार्ट करते हैं ना। जी नारिन, ये लोग हमारा ब्यूटिशियन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने सारे स्पॉन्सर का दोबारा अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं स्किन केयर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देना चाहूँगा। हमारी बहुत सारी तालियाँ, आपकी तालियाँ बताइए कि स्किन केयर के गिफ्टिंग दिए जाएंगे। ये देखें स्किन केयर की जो एक तो ख़ास पैकिंग है, मुझे इनकी पैकिंग बड़ी अच्छी लगी और हमारे जो स्पॉन्सर थे वो पैकिंग का भी ख्याल रखते हैं और क्वालिटी का भी। और हमारे पास जितने स्पॉन्सर उनकी सबसे अच्छी बात है सबकी अच्छी क्वालिटी है। थैंक यू वेरी मच स्किन केयर। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया स्किन केयर। गुड इवनिंग पाकिस्तान। Beautiful hair, isn't it?
जी बहुत सही तालियां। हम करते हैं मिसियाना इस पे बात स्किन केयर की तरफ से, थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्किन केयर जाहिर बात है जब हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस को दे रहा है तो हमारे जजेस को क्यों नहीं देगा, हमारे जजेस के लिए भी स्किन केयर की तरफ से बहुत खूबसूरत, ये देखें क्या बात है, ये देखिए एक दफा वंस अगेन के स्किन केयर का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे प्यारे जजेस के लिए, बहुत खूबसूरत। अच्छा और माशाल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत औसम है, पिछले 3 सालों से मैं इसे अपने इंस्टीट्यूट कॉस्मेटोलॉजिस्ट पाकिस्तान में। अच्छा ये आपके है आपके पास ये जी, और बहुत अच्छे, इसलिए मुझे ज्यादा खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से ये प्रोडक्ट इतने औसम है कि अगर हम इसे अपने सलोन्स में भी रखें तो हमारे क्लाइंट्स में इजाफा ही होता है, स्पेशली इसका ब्लैक हेड मार्क बहुत जबरदस्त। अच्छा इसकी वही बात है जैसे कि हम थोड़ी सी बात करते हुए जजेस से भी बात करेंगे कि इसकी जो नाइट क्रीम है मुझे भेजी गई थी, मैंने ट्राई करी, आप लोग चेक करें। मैं चेक कर चुकी हूँ माशाल्लाह से पिछले 3 सालों से, यूजर हैं। अच्छा आप भी यूजर हैं जी, अच्छा हमारी दोनों ब्यूटिशियन जो दोनों हमारी जजिस है ना इनका नाम जो एज अ ट्रेनर है, देखिए सैलून को चलाना, एकेडमी चलाना, इंस्टीट्यूट चलाना बड़ी बात है, दोनों ट्रेनर ऐसे हैं हमारी नज़र में कि ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। मैं सलमा पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा बताएं आप हमारे नाज़रीन को, आपका सैलून जो यूनिक ब्यूटी सैलून है ये नॉर्थ पे है जी जिशान भाई, नॉर्थ कराची में है, पावर हाउस चौरंगी, आप नियर पावर हाउस चौरंगी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 20 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में और ट्रेनर हूँ मैं, क्लासेस देती भी हूँ और अपना सैलून भी रन कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कैसे मैनेज करी इतनी सारी चीजें आप, ये बस ये मेरे जो टीचर्स हैं उनकी जाहिर सी बात है जरे साया काम। अच्छा, कर रही मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा अपना टीचर का भी बताएं, आपके मेरे जो सर हैं सर साकिब कौन नहीं जानता, मैम सबिया, वो बेसिकली हम तो ये कहते हैं हमारे मोहसिन भी हैं, बिल्कुल हमारे साथ भी हैं, हमें गाइडलाइन भी करते हैं हमारे साकिब भाई, हमारे पास आप भी चुके हैं साकिब भाई, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको लाइव कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम सर साकिब, मैम सबिया, मैम सबिया आप भी हमेशा मेरे बड़े भाई की तरह मुझे सपोर्ट की है हमेशा, बल्कि सर ये कहते हैं मेरे बारे में कि मेरे काम की अगर झलक देखनी है तो सलमान अदीम के काम में देखें, ये ऑनर की बात है मेरे लिए। चले इंशाल्लाह हम देखेंगे जरूर, मगर मैं जाहिर बात है मेरे पास जब डेटा आता है किसी का प्रोफाइल आता है मैं उसको रीचेक करता हूँ, सलमान अदीम ने बेनतहा काम किया है, वो डेफिनेट टीवी पे नहीं आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम आए या वो मूड नहीं बन पाता या वो टाइम नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ चीज़ मिसअप होती है, मगर सलमान अदीम बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और बहुत ग्रेटफुल खातून है माइनर में, बहुत खुश नसीबी है, एक ट्रेनर है, ट्रेनर का काम ही अलग होता है। अच्छा कितना बड़ा स्टाफ है आपका? अब मेरे पास तकरीबन 10 लोग हैं और मैं मतलब इस तरह से कॉल करके भी बुलवा लेती हूँ जब कभी मेरे पास ज़्यादा रश होता है तो फिर ऑन कॉल। जो आप अपना क्लास का सेशन रखती हैं उसमें कितने लोग होते हैं? डिपेंड करता है, स्टूडेंट वगैरह तो बहुत हैं हमारे पास माशाल्लाह से। एक ग्रुप में आप कितने लोग रखते हैं? एक बैच में इस वक्त हम लोग कम रख रहे हैं, 10 से ज्यादा नहीं। अच्छा, एसओपी की वजह से, वैसे तो हमारा माशाल्लाह से 20-25 अबव चला जाता है स्टूडेंट का, लेकिन इस वक्त हम कम है। बात है। अच्छा आप इनकी नाइट देखी जी? मैंने देखी और मैं लगाती हूँ, मैं इसकी यूजर हूँ, बहुत ही आप देखें स्मूथ टेक्सचर इसका। और अलावा एक खास बात ये इसका कलर जो है ना, कलर बहुत फ्रेगेंस के अलावा इसका कलर जो है ना वो गोल्ड के साथ ऐड हुआ है ना तो स्किन में येलो पिगमेंटेशन के साथ फौरन मर्ज हो जाता है। और इतना स्मूथ टच है, आप देखें उसको माशाल्लाह से आप अप्लाई करें और इतना स्मूथ टच है इसका, क्या बात है। देखिए आप लोग चाहें इनके यूजर है और इनकी स्पेशल ऑफर भी लगने वाली है इंशाल्लाह, हमारे साथ जो ग्रैंड फाइनल होने वाला है वहाँ पे भी हमारे पास इनके स्टॉल्स हैं और इनकी वर्कशॉप हो रही है लाइव, और अगर आप ये लोग हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे दिए नंबर पर हमें कॉल करिएगा। यहाँ से मिस शर्मा, हम मिस याना को भी टच करते हैं, बात करते हैं, कैसी हैं आप ये बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपका जो सैलून है वो कुरंगी क्रॉसिंग में, मेरा इंस्टीट्यूट सॉरी कॉस्मेटोलॉजिस्ट फॉर पाकिस्तान के नाम से है। अच्छा आपका नाम भी जाहिर बात है जहाँ आपका नाम आता है वहाँ एक बिल्कुल वो नाम जुड़ता है, कनेक्ट होता है, बड़ी बात है, स्किन के बारे में बहुत जानती हैं। एक इंस्टीट्यूट में तकरीबन 7-8 साल का इन्होंने एज ए सीनियर पोस्ट पे काम कर चुके हैं, हमारी खुश नसीबी है जी जी जी, तो बड़ी खुश नसीबी है। यहाँ मिजियाना आपकी बात कंटिन्यू करते हैं, हम नाजिम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइए कहीं देखते रहें, गुड इवनिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड इवनिंग पाकिस्तान। अच्छा नाजरीन को मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारी राबिया हमारे साथ हैं, इकरा साथ हैं, नादिया साथ हैं, जो चौथी ब्यूटिशियन है हमारी कायनात, वो थोड़ा मिसअप हो गया, वो आई हों, कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से जा चुकी हैं, उनको बड़े कॉन्टेक्ट करे मगर वो नहीं है। उनकी सीट नाजिम देख सकते हैं क्योंकि अब हम कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कर चुके हैं, हम अब ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम आपको सीट दिखाना चाहते हैं कि चौथी जो सीट है वो खाली है और हम अभी भी चाहते हैं वो आ जाएंगी तो हम ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे लोग के लिए गुड लक भी होता है, बैड लक भी होता है कि आकर जाना बड़ा मसला होता है। जी नाज़रीन मैं बताना चाहूँगा, मिस रिहाना बात कर रही थी अपनी। जी अच्छा मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। सिर्फ लोग ये समझते हैं कि हमें अपनी स्किल दिखाने का एक बेहतरीन मौका मिला है, यही नहीं बल्कि एक हैरत अंगेज बात ये हुई, क्योंकि आपको तो पता है मेरा कॉस्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान है और ट्रेनिंग सेंटर है टोटली ब्यूटी, और आजकल हम हेयर और स्किन की ट्रीटमेंट क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप यकीन करें लोग मेरे पास आके सिर्फ ये कहते हैं कि गुड इवनिंग पाकिस्तान, जो ज़िशान अफरीदी का है ना मिस, हमें उसमें जाना है तो आप हमें ट्रेनिंग देंगी। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, लोगों में सीखने का रुझान बहुत पैदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आओ और ये कहाँ, ये जो आप शो देख रहे हैं, मैं ऑडियंस से भी कहूँगी और जो देख रहे हैं इसको, ये इतना आसान काम नहीं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और इसमें बहुत मेहनत बहुत स्ट्रगल है और माशाल्लाह से जिस तरह आप इसको लेके चल रहे हैं और जितनी मैं आपकी तारीफें सुन रही हूँ लोगों के जबान से, तो मेरे लिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़े आपके लिए, आप लोग का बड़ा पन है कि आप लोग इसका सोचते हैं। अच्छा अब तो माशाल्लाह, अब मैं भी जब कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे पहचान लेते हैं, सर हमें ये, सर हमें ये। अच्छा माशाल्लाह हमारे स्पॉन्सर भी देख रहे हैं कि हमारे पास स्पॉन्सर की भी तादाद बढ़ रही है, तो हमारे ये एक अच्छे प्रोग्राम की निशानी है और आप लोग की दुआएं, मैं अकेला कुछ नहीं, पूरी टीम वर्क होती है। अच्छा मिस रिहाना आप ये बताइएगा कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? देखिए आजकल तो हमने सिर्फ 20-25 स्पेस के साथ रखे हैं, लेकिन मोस्टली हमारे 40-45-50 इसके राउंड में चले जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। अच्छा। और इन फ्यूचर हम इसे क्लिनिकली भी लेके जाएंगे। अच्छा जी बहुत बहुत। अच्छा दूसरा जैसे कि जो नए हमारे लोग ब्यूटिशियन हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहिए एज अ ट्रेनर कि सीखने के साथ साथ हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास स्किल एजुकेशन होना बेहद ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके प्रोग्राम ने ये लोगों में बड़ी अवेयरनेस दी है, जो इज्जत जो प्लेटफॉर्म आपने इनको दिया है और जो लोगों को इज्जत मिली है, लोगों में शोर बेदार हो रहा है एक चीज़, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस फील्ड में आपका पैसा कहीं पर भी नहीं जाता, ज़ाया नहीं होता, यानी आपको रिटर्न बहुत ईजीली मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया और ये हो गया, लेकिन इसके बावजूद इस फील्ड में जो आजकल एजुकेशन आ रही है उसमें हाइजीन का बहुत आपको ख्याल रखना पड़ता है, आपके अपने काम में माहिर होना बेहद ज़रूरी है। अच्छा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वालिफाइड इदारे से इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लें, उसका रीज़न ये है कि वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे सिखाते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएंगे आप इजीली वही टर्म्स यूज़ करेंगे जो पूरी दुनिया में सिखाई जाती है, चाइना जापान में भी चले जाएँ जबान नहीं आती मसला नहीं है, लेकिन इसकी अपनी जो लैंग्वेज है वो आप जब यूज़ करते हो वो काउंट होती है। तो ऐसी जगह से ऐसे इंस्टीट्यूट के इदारों से लें आप ट्रेनिंग जो आपको ये चीज़ दे। मेरी आना गपशप का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। हमारे प्यारे प्यारे गिफ्ट आई प्लस के हमारे पास मौजूद है, आई प्लस आई वी कलेक्शन कौन नहीं जानता, इनकी आई टेस्टिंग हमारे सारे ब्यूटिशियन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जब भी चाहें कार्ड दिखाएं वहाँ पे आपको डेफिनेट आई टेस्टिंग फ्री मिलेगी। थैंक यू वेरी मच आई प्लस, खास हमारे जजेस के लिए प्यारे प्यारे संगलाद भेजें। मैं चाहूँगा कि मिस रिहाना ज़रा पहन के दिखाएं, खूबसूरत बन जाएं, और मिस सलमा आप भी पहन के दिखाएं। अच्छा मेरे लिए भी आई मैं भी ज़रा पहन के दिखाऊँ ना उनको। अच्छा अच्छी बात ये है कि ये डे वन से हमारे साथ चल रहे जीशान भाई, बहुत बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। अच्छा ये देख लीजिए, थैंक यू वेरी मच आई प्लस आई विल कलेक्शन, हम तीनों मैं जरा इधर आ जाऊँ ताकि आप लोग हम तीनों को थैंक यू सो मच आई प्लस, थैंक यू वेरी मच आई प्लस, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत पसंद आया, थैंक यू, बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यहाँ से नारायण हम तो शुक्रिया अदा करके थक जाते हैं क्योंकि यकीन करें हमारी जो स्पॉन्सर है हमारी बेसिक है हमारी जान है। थैंक यू वेरी मच आई प्लस आई विल कलेक्शन, बहुत खूबसूरत, हम आपके गिफ्टिंग अपने प्यारे प्यारे जजेस को देते रहेंगे। अच्छा यहाँ मैं बताना चाहूँगा हमारी जो ब्यूटिशियन है उनके पास 20 मिनट्स रह गए हैं और 20 मिनट्स में आपने अपना बेस्ट मेकअप करके दिखाना है। मिस सलमा जिस तरह मिस रिहाना बात कर रही थी कि
हमें इस तरह करना चाहिए कि जो लोग हैं ट्रेनर हैं, आप क्या पैगाम देती हैं लोगों को? मैं यही कहती हूँ बिगनर को कि आप जितना हो सकता है सीखें, क्योंकि ये फील्ड जो ऐसी है कि आप एक चीज सीखते हैं फिर दूसरी नई चीज आ जाती है, तो इसलिए आपका सीखने का अमल जब भी रुक गया, आपने सोच लिया कि आई एम द बेस्ट, तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे। तो आप सीखें जितना सीख सकते हैं, अच्छी जगह से जाके सीखें, अच्छे ट्रेनर से सीखें और आगे बढ़ें। मेरी तो सबके लिए यही बेस्ट विशेज हैं कि आगे बढ़ें इस फील्ड के अंदर, और उसको अपना पैशन समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगे। अगर आप सिर्फ इसको रोजी का जरिया समझेंगे तो फिर वहीं रुक जाएंगे, पैशन समझें। अच्छा, आफरीदी की तरफ से भी हमारे पे जूसेस आए हैं, आफरीदी कॉस्मेटिक की तरफ से प्यारे प्यारे जूस आए, आप लोग पिए, कुछ खाते पीते रहें, थोड़ा इंजॉय करते रहें, ताकि ऐसा लग रहा है प्यास की शिद्दत बढ़ ली है ना। आज बाकी लेके आइएगा, बहुत सारी तालियों में। आफरीदी कॉस्मेटिक की तरफ से जूसे निकालें और पिएं। गुड इवनिंग पाकिस्तान, रखे नहीं। गुड इवनिंग पाकिस्तान, ब्यूटीफुल है जिंदगी। थैंक यू वेरी मच आफरीदी कॉस्मेटिक। आफरीदी कॉस्मेटिक की तरफ से जूसे हमारे पास आए हुए थे, और साथ ही मैं बात करना चाहूँगा अपने अदनान अब्बासी साहब का, कि बहुत बहुत शुक्रिया अदनान अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच। जॉइंट पीपल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें स्किन डिज़ायर की गिफ्टिंग मिली है, जो मैं अभी प्यारी प्यारी ऑडियंस को देना चाहूँगा, स्किन डिज़ायर। और साथ साथ मुझे ग्लैमर फेस के भी, मैं पहले स्किन डिज़ायर का दिखा दूँ, देखिएगा। ज्वाइंट पीपल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अदनान अब्बासी साहब ने हमारे लिए स्किन डिज़ायर की गिफ्टिंग रखी है, और साथ साथ ग्लैमर फेस के गिफ्ट नंबर हमारे पास मौजूद है, मैं ग्लैमर फेस के भी साथ साथ देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच ग्लैमर फेस। गुड इवनिंग पाकिस्तान, गुड इवनिंग पाकिस्तान। साथ साथ स्किन डिज़ायर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखे लोग ही, अच्छा ग्लैमर के भी यूजर हैं। अच्छा एक बात है, माशाल्लाह जितनी कंपनीज हम लेके आ रहे होते हैं वो सारी जानी मानी आती है, लोग हर जगह यूज कर रहे होते हैं, और आपके पास माशाल्लाह आई प्लस भी आ गया है, स्किन डिज़ायर भी आ गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सम कॉस्मेटिक की गिफ्टिंग आप लोग को ना मिले? सम कॉस्मेटिक का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सम कॉस्मेटिक। ज़रा मैं नाज़िम को दिखाना चाहूँगा, देखिएगा सम कॉस्मेटिक। सम कॉस्मेटिक ये देखिएगा, सम कॉस्मेटिक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सम कॉस्मेटिक। ये जजेस जजेस आपके पास तो लाइन लगने वाली है, ये देखिए, थैंक यू सो मच सम कॉस्मेटिक, सम कॉस्मेटिक थैंक यू सो मच। हमारे स्पॉन्सर है हमारे जजेस के लिए, और आप देखिए पैकिंग माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत की है जिशान भाई, मैं तो इसकी पैकिंग की फैन हो गई, पैकिंग फैन हो गई। कॉस्मेटिक तो है माशाल्लाह से जबरदस्त, लेकिन पैकिंग देखिए कितनी प्यारी की हुई है, क्या बात है। अच्छा आप जिसे इसका आपने स्किन क्लियर का सब यूज करा हो? मैं सलमा जी, जी जी मैं इसकी हर चीज यूज करती हूँ जी। सबसे ज्यादा क्या क्या चीज पसंद है आपको? मुझे नाइट क्रीम और उसके क्लींजर, ये सारी चीजें बहुत अच्छा, पसंद है। नाइट क्रीम और डे क्रीम के हवाले से थोड़ा हमारी जनरली लोगों को बताएं कि नाइट क्रीम किस एज में यूज करनी चाहिए, और डे क्रीम हमारे क्या क्या फायदा होता है, ये क्लींजर टोनर हमें कब कब यूज करना चाहिए? नाइट क्रीम तो मैं कहती हूँ स्किन केयर तो हमें अर्ली एज में ही शुरू कर देनी चाहिए, जाहिर सी बात है, 20-21 इस तरह से शुरू कर देनी अच्छा। चाहिए। उसका रीजन ये है कि आपको पता है कितनी डस्ट होती है, कितना पोल्यूशन, हम लोग जाहिर सी बात है बच्चियां कॉलेज गोइंग होती हैं, स्कूल गोइंग, तो उस एज में ही अगर केयर शुरू कर दें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। अब 40 या 45 प्लस जब हो जाते हैं तो फिर तो वो काफी डैमेज हो चुकी होती है स्किन, तो आप पहले से ही केयर करें, 20 के बाद हम यूजर बन सकते हैं, यूजर बन सकते हैं। आप क्या कहती हैं? देखिए डिपेंड करता है कि स्किन की सिचुएशन क्या है, आजकल जिस तरह की खुराक है, न्यूट्रिशंस के ज़ाहिर वैल्यूज आपको पता है क्या है, लेकिन वो लोग लेते नहीं है। तो अगर प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो कोशिश ये करें कि उसका इलाज कर पाएं,
और लेट सपोज अगर नहीं है और स्किन अब बेहतर है, तो मैं ये समझती हूँ जैसे इन्होंने कहा कि अली ऐसे ही होना चाहिए, तो खास तौर पे क्लेंजिंग का खास ख्याल रखें, खास तौर पे क्लेंजिंग। और ब्लैक हेड मार्क्स इनका बहुत जबरदस्त है, अच्छा औसम है। मैं कहती हूँ मेरी नॉलेज भी नहीं आया, सच्ची बात जो है ना, नहीं मुझे डे क्रीम नाइट क्रीम तो जो चीज मुझे मिलेगी। अच्छा नहीं, इंशाल्लाह प्रोग्राम करते हैं इस पे, क्योंकि ये वाकई नो डाउट कि मैं पिछले 3 साल से इसको यूज कर रही हूँ। अच्छा यहाँ मैं बताना चाहूंगा, ये ब्राइडल जो शो हो रहा है इसमें लाइव जो डेमो दी जा रही है उसमें मिस रेहाना एज एक्स्ट्रक्टर वहाँ लाइव डेमो देंगी स्किन केयर की, और साथ हमारे साथ जो दूसरे हैं स्पॉन्सर है ग्लैमर फेस से बात हो रही है, वो मेकअप की लाइव बातचीत चली है, या तो हम उनको सरप्राइजेस गिफ्ट भी मिलेंगे ग्लैमर फेस की तरफ से, या पॉसिबल है कि प्रेजेंटेशन मेकअप ग्लैमर फेस हमें करके दिखाएगा। थर्ड सम कॉस्मेटिक भी लाइव डेमो हमें दे रहा है, तो जो हमारा ग्रैंड शो होने वाला है उसमें हमारे साथ कंपनियां मिस मर्ज हो रही हैं, और मैं आपको बताता रहूँ डिटेल। हम यहाँ लेते हैं नाज़रीन छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइए नहीं, देखते रहें। गुड इवनिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड इवनिंग पाकिस्तान में जरी से प्यारी प्यारी बातें हो रही थी, हमारी ब्यूटिशियन भी समझ लें 2 मिनट रहेगा इनके मेकअप एंड होने में, और हमारी ऑडियंस खुश है, उनको गिफ्टिंग मिल चुकी है। साथ साथ आज फिर मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारा इसके बाद लास्ट शो रह गया है, इसके बाद लोग सेमीफाइनल में देखेंगे उन लड़कियों को जो यहाँ से सेलेक्ट होके गई हैं, उनका मुकाबला होगा और देखेंगे वो लोग हमारे साथ फाइनल में कौन कौन मौजूद होगा। फाइनल की तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अंदाजन हम आपको गाइड कर सकते हैं कि मिड फेब में हमारा शो ऑर्गेनाइज हो चुका है, जहाँ आप अपने मेकअप और प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें। सेकंड, अगर आप स्टॉल लगाना चाहते हैं जब भी हमसे कॉन्टैक्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि उस शो में कोई एक नई चीज़ हो आप जब भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं उस शो का हिस्सा बनना तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें और बताएं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। साथ साथ हमारे जजेस का शुक्रिया, हमारे ब्यूटिशियन का शुक्रिया। अच्छा, हमारी ये प्रोडक्ट थी सम कॉस्मेटिक, मैं चाहूँगा सम कॉस्मेटिक की गिफ्टिंग हमारे पास रह गई थी, हम सम कॉस्मेटिक की गिफ्टिंग आगे देखी है। थैंक यू वेरी मच सम कॉस्मेटिक। सम कॉस्मेटिक एंजॉय करें, स्किन की बड़ी रेंज है। सच सच का ये दौर है, इसी का नाम तो जीना। सम कॉस्मेटिक के मुझे और दीजिए। सम कॉस्मेटिक का बहुत बहुत शुक्रिया कि सम कॉस्मेटिक ने हमें रेंज दी। सम कॉस्मेटिक की गिफ्टिंग हमारी जजेस के पास आ चुकी है जी। हमें थोड़ा सा आप लोग का टाइम इसलिए चाहिए नाज़रीन कि आप हमें बताना चाहें कि आप लोग सेमीफाइनल में किसको देखना चाहते हैं। फाइनल में आपको पता है जो लोग पहुंचेंगे उनको सबसे पहला जो इनाम है जो जीतेगा फाइनल में वो दे रहा है स्विस मिस की तरफ से 25,000 रुपये कैश, और जो सेकंड पोजीशन को जीतने वाले को ग्लैमर फेस दे रहा है 20,000 रुपये, और थर्ड पोजीशन को जीतने वाले को मदर केयर दे रहा है 15,000 रुपये, और चौथी पोजीशन को स्किन केयर की तरफ से मिलने हैं 10,000 रुपये। पांचवी पोजीशन हासिल करने वाले को अपना सम कॉस्मेटिक दे रहा है 5,000 रुपये, और उसके अलावा गिफ्टिंग तो है नाजरीन। सब लोग आना चाहते हैं, हम फर्स्ट पे आ जाए सेकंड पे, देखते हैं कौन फर्स्ट पे आता है कौन सेकंड पे और कौन थर्ड पे आता है जी। अच्छा, आप तकरीबन हमारी ब्यूटिशियन रेडी हो चुकी है, और हम देखना चाहेंगे हमारी मॉडल्स अगर रेडी हैं बिल्कुल, वो आखिरी फाइनल का टेस्ट हो रहा है, तो आप क्या कहती हैं कि जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है आप जैसे आपने मेरे हमारे कितने शो देखे हैं फिल्म जिशान? मैंने आपके तकरीबन तमाम शोज देखे हैं, और मुझे सबसे अच्छी बात आपके शो की ये लगती है कि आप बहुत मेहनत के साथ डेडिकेशन के साथ आप इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त स्पॉन्सर आपके साथ हैं माशाल्लाह से। और सेकंड ये कि आप यकीन करें मेरी अपनी स्टूडेंट यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा मुझे कह रही हैं, फोर्स करें कि हमें जिशान सर के शो में जाना है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। थैंक यू वेरी मच हमारे मगर हम सीजन 2 रखेंगे, अब तो हमारा आपके बाद एक शो हमारा लास्ट है, उसके बाद सेमीफाइनल की तैयारी है। आप हिडन टैलेंट को सामने ला रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटिशियंस को प्रमोट कर रहे हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात है, इस शो की बहुत अच्छी बात है, और ये शो माशाल्लाह बहुत हिट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। मिस जाना क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने यहाँ जो जजेस बुलवाए हैं पिछले जो मैंने एपिसोड्स में देखे हैं काफ़ी हद तक वो अननोन थे, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से जब इंट्रोड्यूस हुए हैं वो लोग तो माशाल्लाह सब जानने लग गए। नहीं तो एक मुख्तसर से एक
जान पहचाने पहचाने कुछ थे, आर्टिस्ट नाम नहीं लूंगी, वो सब जानते हैं, लेकिन जो आपने बुलवाए हैं वो माशाल्लाह हमारे लिए एक बड़ी अच्छी एक चीज हुई, हर एक के लिए बेहतरीन। अच्छा, जैसे जाहिर है मिथियाना है, मिसलमा है, ये लोग कम जाते हैं, या वही वाली बात होती है कि कॉल्स आई अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जा पाए, मगर आज हमारा जो जजेस हैं वो वैसे तो फेमस बहुत होते हैं लोग, मगर टीवी पे नहीं आ चुके होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो जो लोग टीवी पे नजर आते हैं ज़्यादा लोग उनको जानते हैं, तो हम इसी तरह ढूंढ ढूंढ के जजेस को लेते हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी ऑनर की बात है जिशान के, मेरे सर साकिब माशाल्लाह से और मैम सबिया वो यहाँ पर एज ए जज आए थे, मुझे उस दिन आना था लेकिन मेरी तबीयत खराब थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है ये कि सर साकिब माशाल्लाह से आप जानते हैं कितने लेजेंड है वो, और हम सब साकिब भाई तो समझ लें एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, अगर हम उनसे नहीं ले सकते कोई काम तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, अगर हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, क्योंकि एक सीनियर इतना एक इतना सीनियर मोस्ट पर्सन इनका तजुर्बे से, अगर हम कहना जो है ना कि शेयर एंड केयर पे बिलीव जब आप करेंगे, आप अपना इल्म दूसरों में बांटेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, जब आप हिडन करेंगे तो चीजें तो जाहिर है। लेकिन एक बात मैं इस बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी कि इल्म आपका अपना नहीं होता, वो लोगों के लिए होता है, लोगों के लिए होता है, क्योंकि हम मर जाएंगे साथ ही दफन हो गया, जब हम लोगों में नहीं बांटेंगे तो कहीं पर भी किसी को नहीं मिलेगा। शेयर है ना, मुझे मेरा कुछ नहीं सब कुछ तुम्हारा है, डेफिनेट हम आगे बढ़ा, जबकि लोग मुझसे बहुत सारे हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, हमारे बहुत सीनियर भी हैं, कुछ कंपनीज वालों को कह रहे हैं दिशान आफरीदी यू आर द मेकअप आर्टिस्ट, आप होस्टिंग कर रहे हैं, आप अपने टैलेंट क्यों नहीं दिखा रहे। तो मैंने पहले मैं उन लोगों को टैलेंट तो दिखाऊं जो लोग छुपे हुए, मैं तो दिखाई दूंगा। दिशान होस्टिंग के बारे में क्या ख्याल है, दिशान बहुत जबरदस्त ब्यूटिशियन तो है लेकिन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त शो भी कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने अभी ये बात कही भी थी और दोबारा इस बात को कहूंगी कि एक शो को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल फटीक वर्क है, और आपके पास ये एक घंटे या डेढ़ घंटे का ज्यादा ज्यादा आपके पास एक कंप्लीट शो जा रहा था, इतना आपको आइडिया नहीं होता, लेकिन इसको करने में जो स्ट्रगल जो फटीक होती है ना वो आप सोच नहीं सकते। शान आफरीदी माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त, हमारी मॉडल रेडी हो चुकी हैं, मैं चाहूंगा सबसे पहले राबिया अपनी ब्यूटिशियन को भेजिएगा, तालियां होनी चाहिए, अपना काम जिस तरह दिखा आए हैं सर, अब जरा एक वॉक करके दिखाइएगा हमें, तालियां बताएंगे आपकी वॉक जी। चले मॉडल के स्टाइल तो है अच्छी बात है, स्टाइल होना भी बड़ा काउंट होता है। सामने हमारी पहले ऑडियंस को दिखाएं, नागरिक को दिखाएं कैसा लगा इनका मेकअप, और अब हमारे जजेस को दिखाइए करीब जाके। अच्छा, इनकी जो ब्यूटिशियन का नाम है राबिया है ना जी, आंखें बंद करके दिखाएं, चले जी गुड लक, अभी देखते हैं बाकियों का कैसा है, निजाना आपने देख लिया, नोट डाउन कर लीजिए जी, थैंक यू वेरी मच जी। इकरा की मॉडल्स वॉक करके दिखाएंगी, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, बहुत सही, आज देखते हैं कि अच्छा इत्तेफाक है चार होती है हमारी ब्यूटिशियन, मगर आज एक नहीं आई, कायनात उनकी सीट खाली है जी। मिर्जाना आपने देख लिया जी, इकरा हसन ब्यूटिशियन का नाम है। अच्छा, नादिया रमजान अपनी मॉडल को भेजिएगा, तालियां होनी चाहिए, तालियां इतनी हल्की क्यों हो रही है आप लोग की, ये बात। अच्छा, यहां से मैं दोबारा बताना चाहूंगा हमारी यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सारी एफर्ट्स जो होती हैं ये बड़ी पावरफुल चीज़ होती है, खातून को टीवी पे आके अपना काम दिखाना, भले से वो जीते हारे मगर इनके लिए तालियां होनी चाहिए, जो घर से देख के आती है कि हमें कुछ करके दिखाना है, तो बाहिम्मत खवातीन के लिए बहुत सारी तालियां जी। इनकी ब्यूटिशियन का नाम है नादिया रमजान, ठीक है जी, मिर्जाना आप भी देख लें, सलमा भी देख लें, थैंक यू वेरी मच बेटा, सीट पर आके बैठिएगा। अच्छा, यहाँ से हमारे स्पॉन्सर का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ताबुन करा। अच्छा, आज जो हमारे पास गिफ्टिंग जाएगी, ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ ऐसे
गिफ्ट लेके जाइए घर को, आज उनका आखिरी सफर है। सम कॉस्मेटिक स्किन डिजायर, स्किन अपना डिजायर आई प्लस अफ्रीडी कॉस्मेटिक और पाकिस्तान ब्यूटी एजुकेशन की शील्ड, तो बहुत सारी तालियों में हमारी बात से जाएगी। अच्छा, आप दोनों अगर फैसला कर चुके हैं तो एक एक करके बुलाना शुरू करें हम। पहले आप वो नाम पुकारें जो आज हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएंगी। दोनों पहले आप अगर मेच्योर हैं, दोनों समझ चुके हैं, दोनों आपस में डिस्कस कर लें। हाँ, तो डिस्कस करें जब तक मैं इकरा के लिए, राबिया के लिए और नादिया के लिए बेस्ट ऑफ लक है। आज देखें कौन बाहिमा खातून यहाँ से निकलती हैं, और अगर कोई नहीं जा पाती है, तीनों अगर नहीं जा पाती, कोई एक पहुँचती हैं, तो दो जो खवातीन हैं वो हिम्मत ना तोड़े, सोचें कि उनके लिए हो सकता है नेक्स्ट शो गुड लक हो, उनके लिए हो सकता है ये टाइम उनके लिए सूट ना करो, तो हर चीज़ काउंट करती है। तो हमारी जजेस को ज़रा दिखाएं सोलो कितना डिस्कस हो रहा है, और डेफिनेट मैं तो इस मामले में बोलता ही नहीं, क्योंकि जजेस हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पोजीशन होल्डर कौन होगा आज यहाँ से। तो पहले वो नाम पुकारे जो आज हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएंगे ना। ज़रूर कहूँगी कि एक तो ये है कि जो एलिमिनेट हो रही हैं वो ये नहीं सोचे कि उनका काम अच्छा नहीं है, उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए, और यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। और ये फील्ड ऐसी है जिसकी इब्तिदा है, इंतहा नहीं है, सारी ज़िंदगी सीखने की है। और ये ना आप सोचें कि अगर हमने, हमें काम आ गया, हम यहाँ पे विन कर चुके हैं, अब तो हमें ज़रूरत नहीं, तो उनकी ये गलत है। और एलिमिनेट होने वाले बंदे ब्यूटेशन ये हरगिज़ नहीं सोचें कि हमारा काम अच्छा नहीं था इसलिए हमें किया गया। आगे सीखने की बहुत सारी राहें हैं, इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते जाएं। अच्छा, मिस सलमा और मिस जहाना आगे आ जाएं। मैं चाहूँगा हमारे जजेस ही अनाउंस करेंगे और उन्हीं के हाथ से गिफ्ट जाए। देखते हैं कि आज का प्लेटफॉर्म किसके लिए गुड लक है। जी, दोनों जजेस मिस आने आ जाएं। अच्छा जी, दोनों नाम फाइनल कर चुके हैं आप लोग। पहले नाम जो है वो देखें, ये तीन है, राबिया, इकरा और नादिया, तीसरे नंबर पे ना, इनमें से आपने आगे बढ़ना है, डिसाइड नहीं होना बिल्कुल भी, समझे। सबने मेहनत की है और सबका हक है आगे जाने का, लेकिन हमें जाहिर सी बात है किसी एक को सेलेक्ट, कंपटीशन का मतलब यही होता है कि किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं जिनको कहूँगी कि वो घर जाए वो है इकरा। इकरा यहाँ से अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। इकरा बहुत आइए जी। अच्छा, इकरा जरा डिस्टर्ब भी थी, हो सकता है कि का काम बहुत अच्छा है बेटा, आपने आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होना, और अच्छा करके नेक्स्ट शो में आपने और अच्छा करके दिखाना है इंशाल्लाह। अच्छा, इकरा के साथ हमारी जो गिफ्टिंग जाएगी सम कॉस्मेटिक, आइए जी जरा हाथ रखे, आ जाए। सम कॉस्मेटिक जा रहा है, आई प्लस आई बी कलेक्शन की तरफ से जा रहा है, स्किन डिजायर जा रहा है, और आफरीदी की तरफ से जूस जा रहे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान ब्यूटी एजुकेशन की शील्ड इकरा आपके साथ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ये देखिएगा, दोनों शील्ड रेडी हैं हमारे पास, इन दोनों की ना। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन लुकता, कौन जाएगा। अच्छा, वो नाम पुकारे आप जो आज हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ लिए, तो डेफिनेट वो लड़की तो अनाउंस हो ही जाएगी जो यहाँ से फाइनल राउंड में पहुँचेगी ना। अच्छा, ये जो हमने जो सिलेक्शन की है उसमें थोड़े थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमने देखना है। ये हम ये नहीं देख रहे कि ड्रेस कैसा है, आपका लुक कैसा है, हम क्योंकि मेकअप एक ऐसा आर्ट है जिसमें हमने वो चीज़ नोटिस करनी है जो कि इसमें आपके नकूश को उभारे, जो आपको खूबसूरती दे, यानी एक ये आर्ट है। तो हमने कोई कुछ माइनर सी कुछ गलतियाँ हैं जिसको देखते हुए हमने फैसला किया है। हाँ, तो जो यहाँ से जाएंगी वो नादिया हैं। चले नादिया, ऐसा लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ तक आई आपके लिए गुड लक है, आ जाए यहाँ, आ जाए। हाँ, देखिए यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है, और एफर्ट कर रही हैं माशाल्लाह से, और ये रास्ता ऐसा है जिसमें सारी जिंदगी आप सीखते रहते हो। दोनों हाथ लगे एक एक करके देने शुरू करते, मैं नाम अनाउंस कर दूँ ये लिए। सम कॉस्मेटिक की तरफ से नादिया आपको गिफ्ट हैम्पर जाएगा, आई प्लस आई वी कलेक्शन की तरफ से आपके पास गिफ्ट हैम्पर जाएगा, स्किन डिजायर की तरफ से आपके पास गिफ्ट हैम्पर जाएगा, आफरीदी कॉस्मेटिक की तरफ आपके साथ जूझ जाएंगे, और सबसे अच्छी बात पाकिस्तान ब्यूटी एजुकेशन की तरफ से आपको शील्ड लेके जाएगी। आप लोग सब हाथ रखिए, ये बहुत प्यारे, बहुत बहुत मुबारक यहाँ से कि आगे का सफ़र आपके पास है। थैंक यू वेरी मच नादिया जी। नाजरीन, आपको मालूम हो चुका है कि यहाँ जो लड़की फर्स्ट आई है उसका नाम है राबिया।
जी रबी आप हमारे दरमियान आ जाएं, आप लोग आपके लिए बहुत गुड लक है कि आप यहाँ से फाइनल सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुकी हैं, तो डेफिनेट आपको तो पता हमारा फॉर्मेट क्या है। और भाई ये है कि मैं आप लोग को मिस सलमा मैं आपको बता दूं, ये बड़ी मेहनत करी है इन्होंने भी। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मिस रेहाना कुरैशी आपके पास माइक है, ये पाकिस्तान एजुकेशन पाकिस्तान ब्यूटी एजुकेशन की तरफ से ये शील्ड आपको जाएगी, कोई मैसेज आप जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत मेरे लिए तो ये बहुत कीमती है क्योंकि ये ऐसी शो में हमें आई हूँ जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूंगी। जी जी बोले जी, आपको पता है कि आजकल स्किल एजुकेशन हासिल करना बेहद जरूरी है और ब्यूटी से बेहतरीन एजुकेशन कुछ नहीं है। ये एक ऐसी ब्यूटी लाइन है जो पूरी दुनिया में आप यूज कर सकते हो, अर्निंग का जरिया बना सकते हो, लेकिन कोशिश ये करें कि थका देने वाला सफर नहीं है, इब्तिदा जरूर है इंतहा नहीं है, सीखते रहें आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। चलें थैंक यू, मिस सलमान नदीम पाकिस्तान ब्यूटी एजुकेशन आपको याद दिलाएगा। थैंक यू जिशान, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है क्योंकि मैं इस शो को बहुत लाइक करती हूँ और बहुत शौक से देखती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर, और ये ट्रॉफी मेरे लिए जिशान आपकी तरफ से बहुत ऑनर की बात है। आगे बढ़ें, एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बने और सीखते चले जाएं, सीखने का अमल कभी भी ख़त्म ना करें। ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें आपको अर्निंग भी है, आपको बहुत इज्जत है। जैसे देखें आज आप यहाँ आए, इतनी एफर्ट की, इतनी मेहनत की, सब लोगों का एक नाम बनाए, इस शो से नाम बन रहा है, हिडन टैलेंट सामने आ रहा है, तो इस तरह के जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उनको ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत मेहनत करें। जी नाजरीन, यहाँ से राबिया फाइनल में पहुँच चुकी है, यानी कि सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल हमारे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ आने के लिए सारे ऑडियंस, सारे ब्यूटिशियन, सारे जजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहे गुड इवनिंग पाकिस्तान, अपना बहुत गाय लगेगा, देखते रहे गुड इवनिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया शहजाद है, मेरे पसंदों का नाम दुआ पॉलर है और मुझे यहाँ बहुत आके खुशी हुई है और मैंने विन करा है, तो थैंक यू सर, थैंक यू मेट्रो वन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा हसन है और मैं मेट्रो चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतना कीमती प्लेटफॉर्म हमें दिया, और मैं जीत के जा रही हूँ, जीत का जज्बा लेकर जा रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम नादिया है, मैं इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, मैं आगे और भी बहुत कुछ सीखूँगी, इस अमल को मैं जारी रखूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादिया है, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मैं पाकिस्तान ब्यूटी एजुकेशन की मेंबर। मेरा नाम नाहिद वसीम है, मेरे सलून का नाम टॉप केयर ब्यूटी जोन है, नाजमाबाद एक नंबर पर है, और मैं इसमें पाकिस्तान ब्यूटी एजुकेशन की मेंबर हूँ।